दोस्तों मैं जेडी आप सबके लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो लेकर आ गया हमने चैनल जेडी बाबा पर। तो दोस्तों जो आज का वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने काइन मास्टर से डाउनलोड कर सकते हैं स्टिकर्स को। तो दोस्तों यहाँ समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने काइन मास्टर को यहाँ पर ओपन कर लिया है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपको एक बैकग्राउंड को यहाँ पर निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बैकग्राउंड को यहाँ पर निकाल लिया है। बैकग्राउंड को निकालने के बाद आपको करना क्या है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिस पर लिखा होगा इफेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गेट मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस गेट मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट आ गया है। यहाँ पर जो है हमारे इफेक्ट के बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टिकर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि स्टिकर्स जो थे हमारे बहुत सारे यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ स्टिकर्स को यहाँ पर। तो दोस्तों आपने देखा ही कि हमारे स्टिकर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। और इसे डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर डाउनलोड का ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद इस पर थोड़ा आपको वेट करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके इंस्टॉल ये हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, और भी स्टिकर्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।